फ्रेंड्स वेलकम टू वन टू दिस वीडियो सो टुडे आई विल डू द एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 7th टू 10th ऑफ मैथ साइंस इन डेनिका लर्निंग बुक 6th रिवाइज्ड एडिशन ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट सो फ्रेंड्स अभी हमारा 7th क्वेश्चन है सो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है प्रेफर्ड ब्रांड जो कि सबसे ज्यादा मतलब कि लोग खाते हैं ब्रांड बिस्किट्स का सो एक ग्रुप है पीपल का उनमें से एंड उनके हिसाब से हमने एक उनके जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमने एक बार ग्राफ बनाना है एंड एक एप्रोप्रिएट स्केल लेना है एंड उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारे बार ग्राफ के पिक्चर्स है सो आप इस तरीके से बार ग्राफ बना सकते हैं एंड अब मैं क्वेश्चन को आंसर करता हूँ ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा ए पार्ट है सो ए पार्ट में लिखा हुआ है विच ब्रांड इज मोस्ट पॉपुलर अमंग पीपल कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो कि हम साफ साफ देखते हैं कि डी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सो हम लिखेंगे ब्रांड डी डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड्स हमने डिफरेंस फाइंड करना है लीस्ट एंड मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड में सो इसको क्या कहते होते हैं इसको कहते होते हैं रेंज अगर हम सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाला माइनस कर दें ये डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में ही होता है हमारा रेंज सो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा उस वो दोनों नंबर्स का रेंज मतलब कि पूरे डाटा का रेंज सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करना होता है 30 - 5 कितना हो जाएगा 25 सो ये है हमारा रेंज या ये है हमारा डिफरेंस ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 8th क्वेश्चन है सो 8th क्वेश्चन में हमें बताया गया है ये एक टेबल है एंड यहाँ पर क्वांटिटीज लिखी हुई है गुड्स की जो कि गुड्स जो कि कैरी की है इंडियन रेलवे ने सो हमने इसका एक बार ग्राफ बनाना है 2010 से लेकर 2011 से 2014 से लेकर 15 जैसे कि एक एक साल का ये डाटा है सो मतलब कि इतने करोड़ टन उन्होंने ट्रैवल की है सो इसका हमने एक बार ग्राफ बनाना है ओके सो फ्रेंड्स आपने बार ग्राफ जो है हमारा वो आपने ऐसे बना लेना है ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 9th पार्ट है सो इसमें 2008 से 2012 तक का डाटा है जो कि है कि कितने स्टूडेंट्स एक स्टेट के अब्रॉड गए इन ईयर्स में जैसे कि 1000 मतलब स्टडी के लिए गए 1000 2008 में 1800 2009 में 1700 गए थे 2010 में एंड 1600 गए थे 2011 में एंड 2000 गए थे 2012 में सो हमने ये सो हमने इनका बार ग्राफ बनाना है ओके सो लेट्स डू द बार ग्राफ ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा बार ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 9 का ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 10th क्वेश्चन है सो इसमें हमें बार ग्राफ एक दिया गया है एंड इसमें हमने आंसर करने हैं जो कि हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं सो ये रहा हमारा बार ग्राफ एंड ये रहे हमारे क्वेश्चन सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ए पार्ट व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट सो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने के लिए सबसे आसान जो तरीका होता है हमारा वो होता है कि एक्टिविटीज आफ्टर स्कूल जहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर ये हमारे बार्स है एंड इनके नीचे जो लिखा होगा वो हमारा होगा ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे एक्टिविटीज आफ्टर स्कूल सो जो यहाँ पर लिखा होता है वही होता है हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड सो हमने इन सभी को प्लस कर देना 30, 60, 90, 20, 110, 110, 125 जो कि हो जाएगा 135 प्लस 60 195 सो यहाँ पर आ जाएगा 195 स्टूडेंट्स एंड विच आर द टू मोस्ट पॉपुलर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट कौन से मोस्ट पॉपुलर इंटरेस्ट हैं स्टूडेंट्स के वो है रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स रीडिंग बुक्स
एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड एरो डालकर लिख देता हूँ मैं प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड उसके बाद अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स रीड बुक्स आफ्टर स्कूल, कितने स्टूडेंट्स रीड करते हैं बुक्स आफ्टर स्कूल, सो है 60 स्टूडेंट्स। ओके सर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।